वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। मैंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके एक एग्जांपल लिया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि डेटा टाइप क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करके आप यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग रुपीस के बारे में बात करते हैं कि 50 पैसा जो होता है वो अगर हम 2 50 पैसा जोड़ दें तो 1 रुपया बनता है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब आपको उसकी जगह के बारे में बात करनी पड़ती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 8 बिट इक्वल टू 1 byte होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है 8 bit equal to 1 byte। ओके, अब ये समझने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डेटा टाइप्स होते हैं उनकी साइजेस कितनी होती है। तो ये जो कैरेक्टर है आपका वो होता है 1 byte का। ओके, जो कैरेक्टर होता है वो होता है 1 byte का। जो इंटीजर होता है वो होता है 4 bytes का, जो कि 32-bit कंप्यूटर्स पे होगा, और 2 bytes का होता है 16-bit कंप्यूटर्स पे। और जो भी मैं वीडियोज़ आपको बनाने वाला दिखाने वाला हूँ, मैं CBSE का जो पोर्शन है उसे फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 2 bytes ही कहता रहूँगा आगे के सारे वीडियोस में, क्योंकि हम लोग 16-bit आर्किटेक्चर मान के चल रहे हैं। और जो टर्बो C++ हम लोग यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे भी आपको साइज़ जो है देखने की मिलेगी, वो जो मिलेगी 2 bytes मिलेगी। अब आपका जो फ्लोट है वो होता है 4 bytes का, आप कहीं पे भी जाइए होता है 4 bytes का, और डबल जो होता है वो होता है 8 bytes का। ठीक है, आज हम लोग से बात करने वाले हैं इंटीजर की, एक इंटीजर क्या होता है। उसके पहले और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप एक प्रोग्राम आप लिखते हैं और उसे सेव करते हैं, सपोज़ अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है hello.cpp, अब ये जो hello.cpp जब मैं सेव करता हूँ तो आप देखते हैं कि या तो वो सी ड्राइव में जाके सेव होता है या फिर डी ड्राइव में जाके सेव होता है, कहीं ना कहीं जाके सेव होता है। अगर वो जाके सेव होता है तो मतलब वो हार्ड डिस्क पे है, और जब तक कि एक प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे है उसे प्रोग्राम कहा जाता है, जैसे ही उस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो एक प्रोसेस बन जाता है। मतलब कि जो hello.exe है आपकी, जो hello.exe है उसके बाद जब डबल क्लिक करते हैं उसको लोडर जो है उठा के, लोडर नाम की एक चीज़ होती है, जी हाँ मैंने लोडर कहा है यहाँ पे, लोडर जो है उसको उठा के रैम के ऊपर लेके जाता है, और जब वो रैम के ऊपर चले जाती है तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। तो एक दो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता था, एक है प्रोग्राम, एक है प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ समझ में आती होंगी, और अब हम चालू करेंगे हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए जो कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। चलिए तो वो देखते हैं। ओके, तो दोस्तों पिछली बार मैंने आपको ये बता दिया था कि हेडर फाइल्स में क्या होता है और क्या नहीं होता है करके, तो इस बार मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में भी, तो आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि इन दो फाइल्स में क्या होता है। आज मैं डायरेक्टली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो इंट है, ये जो इंट एक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे रेड लाइन दिखा रहा है कि ये है करके, ये कि टर्बो सी का आईडी नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटीजर हमें लिखा है गलत है, उसको इग्नोर कीजिए। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इंटेक्स मतलब होता क्या है। मैंने आपको ये बताया कि इस प्रोग्राम को जो हम लोग सेव करेंगे तो वो हार्ड डिस्क पे जाता है, और हार्ड डिस्क के ऊपर जाने के बाद जब हम उसे रन करते हैं तो वो रैम के ऊपर जाता है। तो आप ये समझिए कि जब ये इंस्ट्रक्शन रन होने वाला होगा तो रैम के अंदर क्या सिनेरियो होगा। जब ये इंस्ट्रक्शन रन होने वाला होता है तो रैम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ बनती है, आपको एक बॉक्स बन के मिलता है जिसका कि नाम एक्स होता है। अब यहाँ पे आप इसे रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मोहित नाम का अगर एक बंदा है जो कि हिंदू है, तो मोहित एक नाम हो गया और हिंदू जो है वो एक डेटा टाइप हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक्स जो है वो एक नाम है, वेरिएबल का नाम है, और इंट जो है उसका धर्म हो गया, यहाँ पे हम लोग उसे डेटा टाइप कहते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हमने लिखी हुई है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लाइन से पहले यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है उसको आपके रैम के अंदर एक मेमोरी एड्रेस मिलता है जो कि किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 से स्टार्ट हो रहा है करके, और मैंने आपको बताया था कि 2 byte का होता है इंटीजर, इसलिए हम लिखते हैं 100 से 102, 100 to 102 will be the memory which will be actually given to the integer type data type. Okay, now this is just an example which I have taken 100, it can be any other number, and actually it's always other number only, it will never be 100 or 102 for our understanding. मैं एक आसान बनाना चाहता हूँ इससे, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 और 102 लेके रखा हुआ है। ओके, अब ये नेक्स्ट लाइन जो है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सी आउट है वो हम लोग हमेशा हमेशा जो भी हम स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहते हैं जैसे का वैसा, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं।
तो अब मैं यहाँ पे यूज़र को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरे एक नंबर एंटर कर, और उस नंबर का जो हमने नाम दिया है वो x, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द वैल्यू फॉर x, तो स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, एंटर द वैल्यू फॉर x, स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे का ऐसा ही दिखेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एंटर द वैल्यू फॉर x, और उसके सामने दो कोलन लगा हुआ है, तो ये दो कोलन भी आएंगे, ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखता रहेगी, ठीक है। और अब क्या है, जो नेक्स्ट लाइन है ये हमारे सामने पहली बार आई हुई है, इसको बोलते हैं कंसोल इनपुट। तो यहाँ पे सी इन लिखा हुआ है और सी आउट के जो ऑपोजिट, यहाँ पे सी आउट के सामने लेस देन सिंबल लगाए हुए थे, और इसके सामने हम लोगों ने ग्रेटर देन सिंबल लगाए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए नाम भी है इंसर्शन एक्सट्रैक्शन सिंबल करके, ठीक है। पर तो भी हम लोग अभी फिलहाल के लिए इसको लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल मान के चलते हैं। तो सी इन के सामने जो हम लोगों ने दो सिंबल लगाए हुए हैं ग्रेटर देन उसके सामने लिखा हुआ है हम लोगों ने x। जब हम लोगों ने ये लिखा हुआ है यहाँ पे सी इन x करके, तो होता क्या है, अभी एंटर द वैल्यू फॉर x ये तो चीज़ आपके सामने आ ही जाएगी, अब इसके सामने एक कर्सर होगा जो कि वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, और जब आप इस कर्सर की जगह पे कोई भी नंबर एंटर करते हैं और उसके बाद आपके कीबोर्ड के ऊपर एंटर की दबाते हैं, तो होता क्या है, जो ये नंबर 3 है वो चला जाता है इस बॉक्स, इस एक्स नाम के बॉक्स के अंदर, और एक्स को भी वैल्यू मिल जाती है 3। आप समझ रहे हैं, एक बार फिर से देखते हैं, जब आप लोगों ने सी आउट लिखा तो सी आउट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो वैसे की वैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद आपने यहाँ पे सी इन लिखा हुआ है इसलिए आपके सामने एक कर्सर होगा जो कि ब्लिंक करता रहेगा, और वो जो भी आप वैल्यू कीबोर्ड से उसके सामने डालोगे और एंटर करोगे वो चली जाएगी इस एक्स नाम के बॉक्स के अंदर। अब इस एक्स नाम के बॉक्स के अंदर कुछ तो भी चीज़ है जो कि हमारी काम की है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस बनता है वो है सी आउट स्टेटमेंट, और उसके अंदर लिखा हुआ है द वैल्यू फॉर एक्स इज, तो हम लोग ये वाली जो चीज़ है वो स्क्रीन के ऊपर वैसे के वैसे प्रिंट होगी, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं द वैल्यू फॉर एक्स इज। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक्स लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब बहुत अलग है। मैंने आपको बताया कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको वो डबल कोट्स में देना होता है, तो मैं यहाँ पे x स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना चाहता हूँ, x की वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहता बल्कि सिर्फ x प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो डबल कोट्स में लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो वापस से क्या दिया हुआ है, वापस से लेस देन के सिंबल दिए हुए हैं और फिर x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ x इज, और अब जो x की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है जो कि 3 है वो मैं यहाँ पे इसके सामने प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप जब बिना डबल कोट्स के वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जो भी है उसके सामने प्रिंट हो जाती है, तो x की वैल्यू अभी है 3 तो वो प्रिंट हो जाएगी उसके सामने 3। आप समझ रहे हैं, और उसके बाद जो अपनी लास्ट लाइन है वो गेट सी है, जो कि आपके आउटपुट विंडो को फ्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये है हमारा सिंपल सा फर्स्ट प्रोग्राम जिसके अंदर कि हम लोगों ने एक्स जो है जो कि इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिजिट डाला है 3, वो यूज़र से लिया है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है दो नंबर लेना, यूज़र से दो इनपुट लेना और उसे ऐड करके आपको वापस से डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे थोड़ी ही देर में।